कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। मैं भी अलग गर्म है और आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ, मतलब वो जो ढाबे होते हैं ना हाईवे पे ढाबे, तो वहां पर एकदम पंजाबी स्टाइल मटन करी। चलिए आज थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने भी, हम जो बनाते हैं हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, दूसरों का स्टाइल अलग होता है। तो चलिए आज उस तरीके से पंजाबी स्टाइल में मटन करी कैसे बनाते हैं, मटन ग्रेवी कहिए, मटन शोरबा कहिए, वो लोग कैसे बनाते हैं ढाबा स्टाइल एकदम, वो बनाते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए ये है 750 ग्राम धोया हुआ मटन है। इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आधा छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटी चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने आधे पौने घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। आप चाहे तो ढककर फ्रिज में भी रख सकते हैं। कुकर या पतीली के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए वो जो मैरिनेट करा हुआ मटन है, वो सारा मसाले के साथ डाल दीजिए और फास्ट आंच पर ये मटन को बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक तेल नहीं छूट जाता और ये पानी पूरा सूख नहीं जाता ये मटन का, तब तक तकरीबन समझिए ना 5-6 मिनट लगेगी। जब मटन का पानी पूरी तरीके से सूख जाए और तेल छूटने लगे तो चूल्हा कर दीजिए बंद और ये मटन को नितार कर एक प्लेट में रख दीजिए और उसे साइड पर रख दीजिए। आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। यह है गरम मसाला, 2 तेज पत्ता, 1 डंडी बड़ी दालचीनी की और 5 हरी इलायची, समझिए ना 5 ली है मैंने, 4-5 काली मिरी, आधा छोटी चाय का चम्मच साबुत जीरा और ये बड़ा काली इलायची है, बड़ी इलायची, और 4-5 लौंग। ये सारी चीज़ों को ये तेल में डाल दीजिए और चूल्हा चालू कर दीजिए और ये इससे तड़तड़ा जाने दीजिए गरम मसालों को। जब तड़तड़ा जाए तब डाल दीजिए 3 मीडियम साइज की मोटी मोटी कटी हुई प्याज और उसे भी डालकर फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज कच्ची पक्की नहीं हो जाती, लेकिन इसी समय मैं बाकी की चीजें भी डाल देती हूँ, जैसे कि ये अदरक मैंने डाला 1 इंच का मोटा मोटा कटा हुआ और 15-16 लहसुन है और 1 हरी मिर्ची में डाल रही हूँ, आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ बढ़ा सकते हैं। चलिए ये सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मैंने मीडियम कर लिया और जब कच्ची पक्की हो गई प्याज तो 3 मीडियम साइज के टमाटरों को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए और मीडियम आंच पर इसे भी भूनिए। तब तक भूनिए जब तक हल्के नम नहीं हो जाते, जब नम हो जाए तो इसे इस तरीके से नितार कर एक प्लेट में डाल दीजिए। जब अच्छा ठंडा हो जाएगा ना ये सब जो हमने भुना है, ये सब जब ठंडा हो जाए तो इसे पीस लीजिए और साइड पर रख दीजिए। चलिए फिर से चूल्हा चालू कर दीजिए और थोड़ा सा सरसों का अगर कम लगे तेल तो वापस डाल दीजिए, मैं कम ही रख रही हूँ तेल के ऊपर हाथ। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है और अब मैं डाल देती हूँ 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं, और 1 या 1.5 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैंने 1.5 डाला है। इसे कुछ सेकेंड्स पहले तो मिक्स कर लीजिए और कुछ सेकेंड्स हो जाए, 1-2-4 सेकेंड हो जाते हैं, चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और प्रिपेयर्ड रहिए कि इसमें जैसे थोड़ा हल्का उबाल आने लगेगा बस उसी समय वो जो मसाला हमने पीस के रखा है वो सारा डाल दीजिए। अगर आप मीडियम आंच पर इसे मैनेज ना कर पाए तो आप स्लो आंच पर ही कीजिएगा, क्योंकि जब आप मीडियम आंच करते हो ना तो लाल मिर्ची का पाउडर जलने का डर होता है, लेकिन अगर आप मैनेज ना कर पाओ तो स्लो आंच कर दीजिएगा। चलिए ये सारी चीज़ें डाल दी मैंने और एक बार मिक्स कर लीजिए और इसमें है ना 1/4 कप पानी जो मिक्सर जार के अंदर चलाकर इसमें डाल दीजिए और तकरीबन मीडियम आंच या फिर मैं तो स्लो आंच पे ही रख रही हूँ, आप चाहे तो मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक इसे भून लीजिए मसाले को। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्लो पे ही कर इसे ढक कर तकरीबन 3-4 मिनट तक इस मसाले को भून रही हूँ, क्योंकि बहुत बाहर निकल रहा है ना ये। 3-4 मिनट हो जाए, ये देखिए मसाला अच्छा भून चुका है, वैसे भी थोड़ा भुना हुआ था ही, तेल ज़्यादा छूटेगा नहीं क्योंकि उतना मैंने डाला नहीं था। अब ये जो मटन है वो पीसेस सारे डाल दीजिए फ्राई करे हुए और जो भी बर्तन में लगा हो वो भी सारा डाल दीजिए, मसाला और तेल वगैरह जो भी लगा है वो। चूल्हा एक बार तो इसे मिक्स कर लीजिए, चूल्हा कर दीजिए मीडियम आँच और यहाँ पर 1/2 कप दही डाल दीजिए फेंट कर। अच्छा दही बिल्कुल भी, मैंने जो डाली है वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, तो कोशिश कीजिए खट्टी दही ना डालें और इसे एक बार चला लीजिए और भूनिए।
अब आप बार बार इसे बीच बीच में चलाते रहिए कि नीचे लगे ना। हाँ, और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, क्योंकि अभी तक हमने डाला ही नहीं है, उसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हल्का सा ढाक देती हूँ क्योंकि बार उड़ रहा है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वापस मैं उसे खोल कर चला लूंगी, क्योंकि मेन मकसद ये है कि भुनावे भी और नीचे लगे ना, चिटके ना। चलिए, जब 3-4 मिनट हो जाती है मीडियम आंच पर भून के, और इस तरीके से हल्का हल्का तेल जैसे आप देख रहे हैं छूटने लगा, तो आप चाहें तो 1.5 कप या फिर मेरी तरह 2 कप पानी डाल दें। एक बार पहले तो चला लीजिए, इसे चख लीजिए, नमक एडजस्ट करने जैसे लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिए, और कुकर का ढक्कन ढक कर तकरीबन फास्ट आंच पर 2 सीटी खिला लीजिए। जब 2 सीटी हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, और तकरीबन 15 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। आप चाहें तो पतीली में भी पका सकते हैं, प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। प्रेशर कुकर का ये ढक्कन लगाने के बजाय आप नॉर्मल ढक्कन लगा दीजिए और तकरीबन 30-40 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक गोश्त नहीं गल जाता, तब तक। चलिए, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। अच्छा खासा प्रेशर निकल गया तो यहाँ मैं खोल लेती हूँ। बढ़िया सा मजेदार सा लग रहा है, मटन पूरी तरीके से गल चुका है, मैंने चेक कर लिया था। तो अब मैं डाल देती हूँ 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल के। चूल्हा मैंने एक बार फास्ट आंच पर रखा था, और फिर स्लो कर दीजिए, और इसे इसमें 1-2 उबाल खिला लीजिए। आप चाहे तो मेरी तरह ढक भी सकते हैं, मैं ढक कर 1-2 उबाल खिला लेती हूँ, सो दैट ये सारी चीज़ें इन्फ्यूज हो जाएं जो अभी मैंने गरम मसाला डाला है। चलिए, 1-2 मिनट हो गए, चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद, और हल्की सी तरी हुई तेल ऊपर आया है, मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है। तो बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ, और 2 मैंने हरी मिर्चियाँ स्लिट मारकर डाली, क्योंकि मैंने ज़्यादा हरी मिर्चियाँ डाली नहीं थी। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। एकदम, अगर आपको पंजाबी में बताऊं तो एकदम चटने फटे टेस्ट हुआ है, बहुत ही बढ़िया मजेदार सा, बहुत ही लजीज हुआ है। अच्छा, ग्रेवी मैंने थोड़ी थिकी रखी है, आप चाहें अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज्यादा, शोरबा थोड़ा पतला रखना है, थोड़ा गर्म पानी थोड़ा सा 1/4 या 1/2 कप जितना करें इसमें डालें, और इसे 2-3 मिनट स्लो आंच पर पकने दें। पानी डालने के बाद एक बार चला लीजिएगा और 2-3 मिनट पकने दें स्लो आंच पर, उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा। जैसे आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से उतनी ग्रेवी कर लीजिएगा। चलिए, मैं फटाफट से सर्व करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने पता है क्या करना है, आपने ये वाली रेसिपी को लाइक करना है, और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।